ओम शांति। हम सब जानते हैं पवित्रता हमारा पहला और कंपलसरी सब्जेक्ट है। अपने इस ईश्वरीय ज्ञान की नवीनता यही है। सारा संसार जिस चीज को स्वाभाविक मान बैठा है, जिस विकार को कुदरत का नियम समझता आ रहा है, प्यारे शिव बाबा ने हमें विदित करा दिया कि यह विकार ही तो तुम्हारे सर्व दुखों का मूल कारण है। तो आज हम इस पवित्रता के गुण पर योग अभ्यास करेंगे। पवित्रता को अखंड बनाए रखने के लिए संकल्प व स्वप्न में भी पवित्रता खंडित ना हो, इसके लिए आज कुछ एक स्वमानों के अभ्यास द्वारा शक्तिशाली योग का अनुभव करेंगे। कहते हैं संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है, तो चलिए कुछ पलों के लिए परम पवित्र शिव बाबा का संग करते हैं। बिंदु रूप बन मन और बुद्धि के पंखों द्वारा उड़ चले परम धाम घर की ओर। फील करें हम अपने पवित्र धाम शांति धाम में पहुंच गए हैं। सामने ज्योति बिंदु बाबा अपनी किरणों रूपी बाहों में मुझे बुला रहे हैं और मैं आत्मा उनकी पवित्र किरणों में समाती जा रही हूं। अब कुछ सेकंड के लिए इन पवित्र किरणों के नीचे बैठकर एक स्वमान दोहराएं। मैं परम पवित्र शिव बाबा की संतान हूं। मैं आत्मा उनके समान पवित्र हूं। फिर से दोहराएं, मैं परम पवित्र शिव बाबा की संतान हूं, उनके समान पवित्र हूं। कम से कम 2 मिनट तक मन ही मन इस स्वमान का चिंतन करते रहें।
शक्तियों ने श्रृंगार कर ले, आनंद से दिल भर भर जाए, आनंद से दिल भर भर जाए, मीठी यादों में मन समाए, और नील गगन प्यारा अपना मीठा वतन प्यारे बाबा, आप पवित्रता के सागर हो, मैं आपकी संतान हूं, आपकी यादों में समाकर पवित्रता के सागर में डुबकियां लगाकर मैं आत्मा भी पावन बन गई हूं। विकारों की अग्नि शांत हो गई है और मैं आत्मा पवित्र बन गई हूं, आपके समान परम पवित्र। कुछ मिनटों तक यह स्वमान मन में पक्का कर लें कि मैं पवित्रता के सागर की संतान पवित्र आत्मा हूं।
मीठे बाबा, आप पवित्रता के सूर्य हो। आपकी शक्तिशाली किरणें पड़ने से मुझ आत्मा के सभी विकार भस्म हो गए हैं। विकारों की कालिमा आत्मा से निकल गई है और मैं आत्मा प्योर बन गई हूं। मेरी चमक बढ़ गई है।
मन के पाप धुल गए हैं, मन के पाप धुल गए हैं, आत्मा चमक गई है। मन के पाप धुल गए हैं, आत्मा चमक गई है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। मन के पाप धुल गए हैं। प्रीतम प्यारा पाया, स्वर्ग नजर आया। प्रीतम प्यारा पाया, स्वर्ग नजर आया। खुशी ऐसी है बरसी, मिटा दुखों का साया। सुख के दीप जले हैं, अंधकार कहीं नहीं है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। मन के पाप धुल गए हैं। जग में हुआ सवेरा, जब से हुआ तुम्हेरा। जग में हुआ सवेरा, जब से हुआ तुम्हेरा। ज्ञान का शंख बजाया, टूटा माया का घेरा। तेरे अमृत के झरने फूटे तो आज कही है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। मन के पाप धुल गए हैं, आत्मा चमक गई है। मन के पाप धुल गए हैं, आत्मा चमक गई है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है। मन के पाप धुल गए हैं।
हे पवित्रता के दाता, प्यारे शिव बाबा, आपका बनकर मैंने पवित्रता के महत्व को जान लिया है। यह है पवित्रता, केवल ब्राह्मण जीवन का ही फाउंडेशन नहीं है, यह तो पूरी सृष्टि की नींव है, सुखी मानव जीवन का आधार है। इस पवित्रता के बल पर ही आदि काल से अब तक ये सृष्टि चली आई है। सत्युग त्रेता में देवताओं की पवित्रता से सृष्टि चली, फिर द्वापर कलयुग में साधु महात्माओं की पवित्रता से सृष्टि थमी रही, और अब इस संगम युग पर प्यारे बाबा आपने हम ब्राह्मण आत्माओं को यह जिम्मेवारी सौंपी, हमें पवित्रता का वरदान देकर इस असार संसार को पावन बनाने के लिए हमें निमित्त बनाया। कितना श्रेष्ठ है मेरा यह ब्राह्मण जन्म जो पवित्रता के मंत्र दाता शिव बाबा ने मुझे सदा सदा के लिए अखंड पवित्र भव का वरदान दे दिया। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं, कितनी विशेष आत्मा हूं। इस ड्रामा ने मुझे कितना अनुपम उपहार दिया है, जो सृष्टि पर आए हुए परम पवित्र शिव बाबा के साथ, उस त्रिलोकीनाथ के साथ पार्ट बजाने का और उनके कार्य में सहयोगी बनने का मुझे सुनहरा अवसर मिला। ये मन खुशी में यही गीत गाता, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, और वाह मेरा पार्ट वाह। प्यारे बाबा,
हमारे अंदर जो पवित्रता आई है ये आपकी देन है। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से ही हम आत्माएं पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि ने हमारी पूरी सृष्टि ही बदल दी बाबा। Thank you.
हमें पवित्रता की शक्ति को, इसकी कीमत को, इसके महत्व को सदा स्मृति में रखना चाहिए। यह पवित्रता केवल सुख शांति का ही आधार नहीं है, यह तो सब दिव्य गुणों का राजा है। जिस आत्मा के अंदर पवित्रता है उसके पास सर्व खजाने हैं, सुख शांति आनंद शक्ति सब कुछ है। यह पवित्रता हमारा गहना है, श्रृंगार है हमारा, इसलिए हमें इसकी बड़ी संभाल रखनी है। अगर कभी किसी के भी मन में कोई अपवित्र संकल्प या विकल्प आता है तो एक बार अव्यक्त बाप दादा के इन महावाक्यों को जरूर सुने, जिसमें बाबा ने इस पवित्रता के विषय पर बड़े स्पष्ट शब्दों में इशारा दिया हुआ है। आइए सुनते हैं बाबा की वो वीडियो। कोई भी प्रमाण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा।
Thank you.